मारवाड़ के उसिया से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा ने बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पानी से जुड़ी अनुदान मांगों पर बहस के दौरान जलदाय मंत्री महेश जोशी पर निशाना साधा और महेश जोशी को रबर स्टैम्प तक बता दिया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी जमकर तारीफ की। आप भी सुनिए कि आखिर दिव्या मदेरणा ने सदन में क्या कुछ कहा। मंत्री जी को क्या कहें? शहर से आते हैं, गांव के व्यक्ति की समस्या समझते हैं कि नहीं समझते, मुझे इस पर प्रश्न चिन्ह है। मैं रेगिस्तान से आती हूं, महसूस करना तो बहुत दूर की बात है। आप रेगिस्तान के व्यक्ति की, मंत्री महोदय, समस्या जानते भी हैं क्या? मेरा प्रश्न चिन्ह है। डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरा डिपार्टमेंट चला रहे हैं। द होल डिपार्टमेंट ऑफ PhD इज रन बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आई एम वेरी सॉरी टू से द मिनिस्टर इज अ रबर स्टैम्प। नथिंग इज बीन टोल्ड टू हिम। थैंक यू। और मुझे दुख के साथ आज मैं बधाई देना चाहूंगी वसुंधरा जी को। बहुत अच्छी लीडर थी, सच को सच कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं होता। अच्छी लीडर थी, डिसीजन मेकिंग भी करती थी। एक मिनट के अंदर आप। डिसीजन मेकिंग भी बढ़िया थी। अरे भैया बीच में मत करिए आप प्लीज। राठौर साहब आप मुझे बताइए, आपको सब चीज पता होती है। मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये नारा किसने दिया? एक तो ये नारा और ये एरोगेंट रूथलेस करप्ट ब्यूरोक्रेसी थी जिन्होंने इनको इस तरफ बिठा दिया। हमें भी आप इधर बिठाना चाहते हैं। एक्सीलेंट बजट चीफ मिनिस्टर लेकर आए, एक्सीलेंट बजट, बट दिस ब्यूरोक्रेसी इज व्हाट इज गोइंग टू मेक अस सिट हियर। प्लीज आप अपना रवैया बंद करें। जलदाय मंत्री प्रदेश राम भरोसे, आपने बढ़िया सही किया, आपने ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण डूंगरी के प्रोजेक्ट से आगे आप नहीं निकल रहे। अगर आप निकलना भी चाहेंगे ना तो आपको निकलने नहीं देंगे। तो इससे अच्छा आपने पहले ही कर लिया कि हम इसी तक सीमित हो जाए। मैं आपको यहां से चेतावनी दे रही हूं कि मैं जनता के लिए सदन में आई हूं, मैं बिल्कुल उनके हक के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। और जो बुलडोजिंग आप एहसास की कर रहे हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है, 25 जाति हैं, उसको प्रोविजनल से आप उनको 12 कर देते हैं, 12 में भी आप कटेल कर देते हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में सीएम से बात करके ये रुकवाई है। आई एम ग्लैड टू द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो 25 साल वहां पर सांसद रहे, वो ढानी ढानी जानते हैं कि छितराई की क्या समस्याएं होती हैं।